उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन के पिलर के बीच विदर्भ के आदिवासी और उनकी गौरवशाली परंपरा को दर्शाने वाले दृश्य आज लगाए गए हैं। इससे क्षेत्र को सुंदर स्वरूप मिल गया है। C20 सम्मेलन में देश विदेश से नागपुर शहर में आने वाले दर्शकों के लिए दृश्यों के माध्यम से महाराष्ट्र और विदर्भ की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट और छत्रपति चौक के बीच 3 मेट्रो स्टेशन पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाने वाले दृश्यों को लगाने का काम आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले बुधवार को उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन के खम्भों के बीच आदिवासियों के लोक जीवन और समृद्ध परंपराओं को दर्शाने वाले आकर्षक धातु के चित्र बनाए गए। छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन लाइन के पिलर बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि के साथ उनकी उपलब्धियों को उजागर करने वाला एक दृश्य स्थापित किया जा रहा है। जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन पिलर और पेज अभ्यारण्य के बीच मोगली टाइगर रिजर्व का जानवर प्रसिद्ध टेलीविजन श्रृंखला और जैव संसाधन का एक पात्र है। हम उपस्थित है नागपुर के उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ पे जो है G20 के लिए आदिवासी संस्कृति का जो दर्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है, दर्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आदिवासी संस्कृति दर्शाने वाले यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये जो हमें झोपड़ी जैसा दिख रहा है, हट दिख रहा है, आप देख पा रहे हो इस पर एक बहुत ही अच्छी जो है चित्रकारी की हुई है। आप देख पा रहे हो कि ये आदिवासी संस्कृति का दर्शन जो है हमें हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, तो ये सब है G20 समिट के लिए ये सब शुरू है। और आप देख पा रहे हो कि शहर में जगह जगह हमें बहुत ही अच्छी रौनक दिखाई दे रही है, रोशनाई की जा रही है, उसी के साथ जो दीवारें हैं उस पर भी रंग रंगोन किया जा रहा है, उसी के साथ जो है डिवाइडर है उस पर भी अच्छे खासे अलग अलग प्रतिकृतियाँ और हमारे भारतीय संस्कृति का दर्शन जो है कराया जा रहा है, जो G20 के लिए समिट के लिए जो डेलीगेट्स आने वाले हैं 20 देशों के उनके लिए ये जो है ये पूरी तैयारियां शुरू है और ये पूरी तैयारियां G20 समिट के लिए हो रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।